हेलो दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार। मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लाया हूं। आज की वीडियो है कि शरीर के अंगों पर स्थित तिल से अपने धन योग के बारे में जानें। दोस्तों, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक जरूर कर दें और उसके पास बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक कर दें, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूंगा तो दोस्तों वो आपके फ़ोन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें और मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें। पहला पॉइंट, नाभि पर तिल का निशान। दोस्तों, समुद्र शास्त्र के अनुसार पेट पर स्थित तिल को शुभ नहीं माना जाता है। इस प्रकार के तिल वाले व्यक्ति दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। ऐसे व्यक्ति भोजन के शौकीन होते, लेकिन तिल अगर नाभि के आसपास हो तब व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। दूसरा निशान, पीठ पर तिल का निशान। पीठ पर मौजूद तिल व्यक्ति के रोमांटिक होने के साथ ही धनवान होने का सूचक होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा कमाते हैं और बहुत ज्यादा खर्च भी करते हैं। तीसरा निशान, पैर के अंगूठे पर तिल होने का मतलब है कि आप समाज में ख्याति प्राप्त करेंगे और धन दान से बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति होंगे। चौथा निशान, तर्जनी अंगुली पर तिल का निशान। ऐसा व्यक्ति धनवान तो होता है लेकिन शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहता है। पांचवा निशान, भोग के मध्य में खाली स्थान के बीच में तिल का होना बहुत ही शुभ माना जा गया है। ऐसे व्यक्ति अपने ससुराल पक्ष से धनवान बनते हैं। दोस्तों, भोग का मतलब है कि दोनों आंखों के मध्य में जो स्थान है उसके बीच में जो तिल होता है वह बहुत शुभ माना जाता है। छठा निशान, नाक के दाई ओर तिल का निशान होना। जिनके नाक के दाई ओर तिल होता है उन्हें कम मेहनत में ही धन का लाभ मिलता रहता है। ये बहुत ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। सातवां निशान, ठुड्डी पर तिल का होना। ठुड्डी पर तिल वाले व्यक्ति कभी धन का अभाव नहीं रहता है क्योंकि इनकी आय का साधन हमेशा बना रहता है। आठवां स्थान, अनामिका उंगली के मध्य तिल का होना। अनामिका उंगली के मध्य तिल हो तो व्यक्ति को धनवान और यशस्वी बनाता है। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें।